एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम यात्रा पर निकला। पहले तो यातायात की सुविधा थी नहीं, तो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वो केदारधाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीना खोलते हैं तो 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हुए थे। पंडित जी को उसने बताया कि वो बहुत दूर से महीनों यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोल के प्रभु के दर्शन करा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया, प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी ने उससे कहा कि अब 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद ही दरवाजे खुलेंगे। यहाँ पर 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहाँ पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था कि अपने शिव पर कि जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। उसे किसी के आने की आह सुनी। देखा तो एक सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गए और पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो। उसने अपना सारा हाल सुना दिया और उसने बोला कि बाबा मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया है। बाबा ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई और बोला उन्होंने, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में कब उसको नींद आ गई पता ही नहीं चला। सूर्य की पहली किरण के साथ उसकी नींद खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा किंतु वहाँ पर कोई नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, बाबा कल तो आपने कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई आया भी नहीं, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की, तो वही होना जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आपसे मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पंडित जी ने उससे कहा कि मैंने तो 6 महीना पहले ही दरवाजे बंद किए थे और 6 महीने बाद ही आया हूँ, तुम 6 महीनों तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो। पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी, इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीनों तक यहाँ पर जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उस सन्यासी बाबा से मिलने की सारी बातें बता दी। एक सन्यासी आया हुआ था, लंबी लंबी बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और मग की छाला पहने हुए। पंडित जी और सब लोग देख के हैरान थे और उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हमने तो सारी जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना कर सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हो और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में परिवर्तन कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम, हर हर महादेव। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपके मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा है तो भगवान आपको किसी ना किसी रूप में जरूर दर्शन देंगे। सिर्फ आपको उस पल का इंतजार करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इस वक्त हमारे चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। ओम नमः शिवाय।